चीन के अस्पतालों में कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा रही है। अस्पताल में बेड खाली नहीं है तो जमीन पर ही इलाज किया जा रहा है। वहीं लोग इलाज के लिए लंबी कतार लगाने को मजबूर है और हर ओर सिर्फ मातम छाया हुआ है। चीन के अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ मरीजों का ठीक तरह से इलाज तक नहीं हो पा रहा। चीन के अस्पताल के अंदर की ये तस्वीर तो बेहद हैरान करने वाली है। आईसीयू के अंदर की इस तस्वीर में एक मरीज जमीन पर लेटा दिख रहा है, दूसरे मरीज का इलाज भी जमीन पर ही हो रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति में कमोवेश चीन के हर अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, क्योंकि मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पताल में बेड बचे ही नहीं है। अब जरा चीन में सिचुआन प्रांत के अस्पताल से आई इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में एक कतार में व्हील चेयर पर बैठे कई मरीज दिखाई दिए। इनमें से कुछ लोग ऑक्सीजन मास्क भी पहने नजर आए, क्योंकि अस्पताल में उनके लिए बेड नहीं था। इस दौरान एक डॉक्टर एक मरीज को CPR देता दिखा। वेंगझाओ शहर के एक अस्पताल का जो वीडियो सामने आया है वो और भी हैरान करने वाला है। इस अस्पताल के रिसेप्शन हॉल में मरीजों की जबरदस्त भीड़ दिखी। लोग अपने चेहरों को मास्क से ढके दिखे, लेकिन उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दिया। अपनी बारी का इंतजार करते हुए कुछ लोग एक कतार में भी खड़े दिखाई दिए। चीन के तियानजिन शहर में एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में तो अफरा तफरी के हालात दिखे। लोगों की भीड़ कोरोना को फैलने में मदद कर सकती है, लेकिन लोगों की मजबूरी ने उन्हें इस खतरे को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। और चीन में कोरोना से बने हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो चीन में बने हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि चीन में कोरोना पर हमारी पूरी तरीके से नजर है। चाइना की जो स्थिति है वहाँ कोविड के वहाँ पे हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी उम्मीद ये है कि पूरी मानवता कोविड महामारी के पूर्ण रूप से उभर कर सक्षम रूप से ऊपर कर निकले, और हमने हमेशा हमारी तरफ से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हमने मदद की है दूसरे देशों को। और चाइना में जो हो रहा है, मैंने जैसे कहा, हम करीब से नज़र बनाए रखे हुए हैं और ट्रैवल रेगुलेशन में अगर कोई अपडेट हो बताएंगे। और एडवाइजरी की भी हमारी तरफ से भी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। हमारी अपेक्षा यही रही कि जो भी कोई रहता है किसी देश में, वहाँ के हेल्थ गाइडलाइंस जो भी हो उनको वो पूरी तरह मानकर चले। तो चीन में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। जहाँ एक ओर अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कब्रिस्तान में लोग अपनों को अंतिम विदाई देने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से हालात जो है बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। कब्रिस्तान में लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड की कमी है, वहां पर लोगों का इलाज जो है फर्श पर हो रहा है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। आप गिनती करते हुए थक जाएंगे, लेकिन इस कतार का दूसरा किनारा शायद आपको नजर ना आए। ये हालात चीन की राजधानी बीजिंग के एक कब्रिस्तान के हैं। चीन में मीडिया पर पहरा है, लिहाजा लोग खुद ही ऐसी तस्वीरें शूट कर रहे हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। गाड़ियों की इस भीड़ में फ्लैश लाइट जलाए पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी है, ताकि ऐसे हालात में भी लोग व्यवस्था बनाए रखें। चीन के एक अस्पताल में महिला अपने परिजन के अंतिम संस्कार का इंतजार करती दिखी। उसके हाथ में एक पर्ची दिखी जिस पर 373 लिखा था। दावा किया गया कि इसका मतलब उस महिला से पहले 372 लोग कतार में थे। उधर अस्पताल के एक कमरे में शवों का अंबार लगा दिखाई दिया। कुछ लोग एक शव को दूसरे बॉक्स में रखकर ले जाते हुए दिखाई दिए। चीन के एक अन्य अस्पताल की तस्वीरें भी डराने वाली थी। मॉर्चुरी में शवों का अंबार लगा दिखा। शवों को पैक करके रखा गया था और एक एक करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। चीन हालात काबू में होने के लाख दावे कर ले, लेकिन अस्पतालों और कब्रिस्तान की तस्वीर उसके झूठ की पोल खोल रही है। तो हालात बद से बदतर
होते जा रहे हैं। चीन में कोरोना से हालात बेहद भयावह होते जा रहे हैं। अस्पतालों का हाल बेहाल है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज फर्श पर हो रहा है और सारे बेड फुल हैं। अस्पतालों में शवों के अंबार की नई तस्वीर और भी डराने वाली है। समझिए, मुर्दा घरों में भी शव का अंबार लगा है। अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं। तो जो तस्वीरें सामने आ रही है चीन के अस्पतालों से वो भयावह है, लोगों को डरा रही है। और इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए भारत सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दावे ये किया जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से, देखिए हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, तैयार है। और ऐसे में अब जमीनी तौर पर कई तरह की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन क्या किसी तरह का कोई कड़ा प्रतिबंध लग सकता है, इसको लेकर अभी विचार विमर्श जारी है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चीन से जो सामने आ रही है। चीन का हाल इस वक्त बेहाल है। तो देखिए चीन में लगातार कोरोना की स्थिति जो है इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि ग्राफ में तेजी दिखाई दे रही है। जी हां, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं संक्रमित लोगों के, वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दरअसल दिखाते हैं कि किस तरीके से इसी महीने या कि दिसंबर में लाखों की संख्या में यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या दिखाई दी है। और ये 1 दिसंबर से हम आपको पूरा चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन का कोरोना ग्राफ आखिर किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1 दिसंबर को कुल केस कितने थे, 3 लाख के आसपास, 3,23,000 ये कुल केस थे। वहीं अगर 5 दिसंबर की बात की जाए तो 5 दिसंबर को 3,40,483 केस थे और धीरे धीरे करके हर बार ये बढ़ते चले गए हैं। तो देखिए हर 5 दिन का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 10 दिसंबर की बात करें तो 3,60,734 जो है कुल केस थे, ये हम आपको 10 दिसंबर की बात बता रहे हैं। लेकिन ठीक उसके 5 दिन बाद बात करें यानी कि 15 दिसंबर की, तो 3,71,918 केस चाइना में अकेले निकलकर सामने आए थे। और ये देखिए ये ग्राफ है आगे बढ़ता हुआ नजर आया। 20 दिसंबर को एक बार फिर से जो आंकड़े जुटाए गए उसमें 3,83,175 लोग संक्रमित होते हुए नजर आए। और फिर आप देखिए 21 दिसंबर यानी कि कल किस तरीके से आंकड़े जो है 3,86,276 तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अब जो कहर बरपा रहा है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, उसको देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारत सरकार ये दावा कर रही है कि देखिए हम पूरी तरीके से तैयार है। और जहां चीन की हालत इस वक्त खस्ता है, आपको बता दें चीन में विटामिन सी की दवाइयों और उन फलों की जबरदस्त किल्लत हो गई है जिनमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो चीन के एक शॉपिंग मॉल में संतरा और नींबू खरीदने के लिए अफरा तफरी की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि एक शॉपिंग मॉल में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए। ये लोग नींबू संतरे जैसी विटामिन सी से भरपूर खाने पीने की चीजें खरीदने पहुंचे थे। तस्वीरों में दिखा कि मॉल का एक कर्मचारी एक क्रेट में संतरे लेकर जा रहा था, लेकिन भीड़ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अचानक लोग उसकी क्रेट पर टूट पड़े। एक आदमी ने क्रेट को खींचा तो वो टूट गई, जिसके बाद लोग उससे फल निकालने लगे। मॉल में घुसी भीड़ में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। चीन में एक ओर लोग कोरोना से और दूसरी ओर सरकार की सख्ती से परेशान हैं। ऐसा ही एक आदमी एक सरकारी इमारत में तोड़फोड़ करता दिखा। उसने पहले तो बिल्डिंग के कांच को तोड़ा, फिर एक पिलर पर भी बेसबॉल की बैट से वार किया। चीन से आ रही तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं, लेकिन सरकार हालात छिपा रही है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से कोरोना से जुड़े आंकड़े देने को कहा ताकि महामारी के हालात समझे जा सके। WHO का दावा है कि संक्रमण की शुरुआत को समझने के लिए विश्वसनीय डेटा जरूरी है। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से मचे कोहराम के बाद भारत अब पहले से अलर्ट पर है। सरकार ने लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की अपील की है। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लोगों से फौरन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। और इसी के साथ चीन समेत दुनिया के कई देशों में अचानक कोरोना के मामलों में इजाफे के बाद IMA ने लोगों से अलर्ट रहने और एहतियात बरतने की अपील की। तो एक बार फिर चीन पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कोरोना पर दुनिया को अंधेरे में रखने वाला चीन इस बार भी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।
और वहीं लेकिन चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने ही उसके झूठ की एक बार फिर से पोल खोल दी। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। कोविड-19 ने मचाई चीन में अफरा तफरी। चीन में वायरस की मार, कोरोना ने मचाया कोहराम। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने से जारी जंग की वजह से दुनिया पहले से ही परेशान है और अब चीन में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों ने उसकी परेशानियों में और भी इजाफा कर दिया है। कोविड-19 यानी वो घातक वायरस जिसकी दस्तक से दुनिया एक बार फिर दहशत में है। कोरोना वायरस एक नए रूप में एक बार फिर लौट आया है और इस बार उसकी चपेट में वो देश है जिस पर बार बार कोरोना वायरस को बनाने और पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लगता रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू करते ही इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ऐसी भयानक लहर आई है जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नए केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम ठप पड़ चुका है। अस्पतालों में बेड फुल है, मुर्दा घरों में शवों का ढेर लगा है, तो हालात इतने खराब हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बार चीन में मचे कोविड-19 के कोहराम की वजह इस वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसकी वजह से चीन में संक्रमित लोगों की तादाद का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच सकता है और अगले 3 महीनों यानी मार्च 2023 तक 5 से 20 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की नई लहर का पीक 22 जनवरी तक चल सकता है और इसके बाद हालात सामान्य होने शुरू होंगे। और चीन में कोरोना से हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि शी जिनपिंग मौत के आंकड़े तक दुनिया से छिपाने में लगे हुए हैं ताकि ये सच्चाई सामने ना आ पाए, लेकिन चीन के शहरों से आने वाले वीडियो कोरोना विस्फोट की पोल खोलते रहे हैं। चीन से आ रहे वीडियो इतने ज्यादा डरावने हैं कि पूरी दुनिया सहमी है। चीन के लोग सरकार की बद इंतजामियों से परेशान है, लेकिन शी जिनपिंग सरकार है कि सच पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। हमेशा की तरह इस बार भी चीन पर कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की जो तादाद आई है वो डराने वाली है। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना का कहर साफ दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। ये आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,83,175 तक। तो कोरोना की तीसरी लहर आएगी इसका अंदाजा हेल्थ एक्सपर्ट्स पहले ही जता चुके थे, लेकिन चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से जो महामारी फैली है उसका खतरा अब दूसरे देशों पर भी मंडराने लगा है।
कोविड 19 संक्रमण की वजह बनने वाला कोरोना वायरस साल 2020 से अभी तक कई बार म्यूटेट हो चुका है। हर नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट को पीछे छोड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसका इनक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। इतना ही नहीं, ये बहुत तेजी से फैलता है। डॉक्टरों के मुताबिक BF.7 से संक्रमित एक मरीज की वजह से 18 लोगों में संक्रमण फैल सकता है, जबकि ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट से सिर्फ 5 लोगों में संक्रमण फैलता था। आइए आपको ये बता दें कि आखिर अब तक COVID-19 कितने तरह के वेरिएंट की शक्ल में दुनिया में तबाही मचा चुका है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक दुनिया के सामने कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, लैम्बडा और MU यानी 7 वेरिएंट आ चुके हैं। हर वेरिएंट के कई सब वेरिएंट भी मौजूद हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 वायरस का 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया है। पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है, वहीं लैम्बडा और MU जैसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिफाई किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक चीन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस वायरस की वजह से 31,378 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में भी BF.7 फैलना शुरू हो गया है। वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में ही कोरोना के 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 10,307 लोगों की मौत हुई है। WHO के मुताबिक चीन में हर रोज 15,000 से 20,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं और 60 से 70 लोगों की मौत हो रही है। जापान में 20 दिसंबर को 1,85,000 लोग संक्रमित पाए गए और 231 लोगों की मौत दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया में 20 दिसंबर को एक दिन के अंदर 87,559 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 56 मरीजों की मौत हो गई। फ्रांस में 20 दिसंबर को 71,212 नए मरीज मिले और 130 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 20 दिसंबर को 52,528 नए मरीज पाए गए और 201 लोगों की मौत दर्ज की गई। अमेरिका में 20 दिसंबर को 25,714 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 308 लोगों की मौत हो गई। ताइवान में 20 दिसंबर को 17,117 कोरोना संक्रमित पाए गए और 18 लोगों की मौत हुई। हांगकांग में 20 दिसंबर को 14,982 लोग संक्रमित पाए गए और मौत का आंकड़ा 33 रहा। पेरू में 20 दिसंबर को 8,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 15 लोगों की मौत हुई। रूस में भी रोजाना 5,000 से 10,000 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और 20 दिसंबर को 57 लोगों की मौत दर्ज की गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भारत में अलर्ट, दिल्ली में पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बढ़ते कोरोना संक्रमण का देश की संसद भवन में दिखा असर, लोकसभा और राज्यसभा में मास्क लगाए नजर आए सांसद, सभी से कोविड प्रोटोकॉल मानने की अपील। देश भर में कोरोना का अलर्ट जारी, आज कोरोना को लेकर सीएम योगी की अहम बैठक, अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर भारत में बढ़ी सख्ती, एयरपोर्ट पर मास्क में दिखे यात्री, विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को स्क्रीनिंग जारी, यात्रियों के टेम्परेचर की जांच करते नजर आए एयरपोर्ट कर्मचारी। बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट पर कोविड संक्रमण को लेकर चीन से मांगा गया आंकड़ा। चीन में कोरोना को लेकर कोहराम, बीजिंग में दिखी दिल दहला देने वाली तस्वीरें, अस्पताल में लगा शवों का अंबार।
चीन में सरकार के खिलाफ फूटा आम लोगों का गुस्सा। शांगसी प्रांत के लवलियांग में बेसबॉल बैट से सरकारी बिल्डिंग पर हमला करता नजर आया लड़का। चीन में बिगड़ते जा रहे हैं हालात। वांझाऊ में अस्पताल के अंदर दिखी मरीजों की भारी भीड़। इलाज नहीं मिलने से लोगों के अंदर आक्रोश। चीन की चोंगकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीजों की भारी भीड़। बिस्तर नहीं मिलने के कारण फर्श पर लेटे नजर आए इलाज करा रहे बुजुर्ग। यूक्रेन को धूल चटाने के लिए अब पुतिन अपनी लेडी ब्रिगेड को जंग में उतारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ये लेडी ब्रिगेड महायुद्ध में शार्प शूटर्स की भूमिका निभाती हुई नजर आई। इसके साथ ही दावा ये है कि उन लेडी स्नाइपर्स को पुतिन जंग में उतारने का प्लान बना चुके हैं जो फिलहाल रूस की जेलों में बंद है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। इनके रग रग में है देशभक्ति, क्योंकि ये है पुतिन की लेडी ब्रिगेड, वो दस्ता जो थामेगी यूक्रेन में जंग की कमान। पुतिन की लेडी ब्रिगेड अब यूक्रेन के सिपाहियों को चुन चुन कर निशाना बनाने वाली है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है और इन महिला कैदियों के हाथों में हथियार थमाने की जिम्मेदारी मिली है येवगेनी प्रिगोजिन को। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के बेहद करीबी हैं। इन्होंने ही उस वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर दुनिया जानती है। येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि रूस की जेल में बंद महिलाओं की भर्ती यूक्रेन युद्ध के लिए की जाएगी और इस महिला दस्ते को युद्ध में स्नाइपर्स के तौर पर उतारा जाएगा। इस रूसी लेडी ब्रिगेड को नर्सिंग और कम्युनिकेशन के साथ ही स्नाइपर के तौर पर भी तैनात किया जाएगा। पुतिन के सहयोगी प्रिगोजिन के मुताबिक पुतिन का यह फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महिला शार्प शूटरों ने युद्ध में हिस्सा लिया था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी काबिलियत दर्ज कराई थी। यूक्रेन युद्ध के 300 दिन से अधिक गुजरने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति पहली बार अमेरिका पहुंचे। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। अमेरिका के संसद पहुंचने पर ज़ेलेंस्की का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी भी हालत में रूस के आगे नहीं झुकेगा। जो बाइडेन से यहाँ पर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है, जहाँ पर अमेरिकी संसद में उनका जोरदार स्वागत हुआ है और युद्ध जिस तरीके से 10 महीने का वक्त बीत चुका है उसके बाद पहली बार विदेश दौरे पर गए हैं इन 10 महीनों में ज़ेलेंस्की, जहाँ पर सीधे अमेरिकी संसद में पहुंचे और जोरदार स्वागत वहां उनका किया गया। अमेरिकी संसद में ज़ेलेंस्की की दहाड़ सुनिए। यूक्रेन इज अलाइव एंड किकिंग। वी डिफीटेड रशिया इन द बैटल फॉर माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ज़ेलेंस्की ने कहा हम जिंदा हैं और झोंकेंगे नहीं। द ऑक्यूपायर्स हैव अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन आर्टिलरी। They have an advantage in ammunition. They have much more missiles and planes than we ever had. And it's true, but our defense forces stand. Ukraine holds its lines and will never surrender. Fight!
फरवरी में रूसी हमलों के शुरू होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पहली बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी अत्याचार ने हम पर नियंत्रण खो दिया है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। हमने आक्रमण के पहले चरण को जीत लिया है। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने भी यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। ज़ेलेंस्की ने कांग्रेस सदस्यों को बताया कि युद्ध के 300 से अधिक दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन में सैनिक अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें युद्ध के मैदान में जीतने के लिए अधिक हथियारों की आवश्यकता है। आगे की लड़ाई क्रूरता से भरी है और आपका समर्थन न केवल इस लड़ाई में खड़े होने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यूक्रेन के मैदान में जीत के लिए महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई को रोका या स्थगित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory and it gives us courage which inspires the entire world. Europeans gained this victory and that's why Europe is now stronger and more independent than ever. The Russian tyranny has lost control over us. अमेरिकी सांसदों ने ज़ेलेंस्की का खड़े होकर स्वागत किया। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि उनका देश अभी भी सभी बाधाओं के खिलाफ खड़ा है और अगले साल संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट की भविष्यवाणी की। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बुधवार को चेतावनी दी कि यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति बढ़ने से ये विनाशकारी युद्ध और बढ़ेगा। ज़ेलेंस्की का अमेरिका का दौरा एकदम टॉप सीक्रेट था। ज़ेलेंस्की के रूट की किसी को जानकारी नहीं थी और उनका रूट इतना सीक्रेट था कि ज़ेलेंस्की के साथ स्पाई प्लेन तैनात किए गए थे और बाद में अमेरिका के फाइटर जेट ने भी ज़ेलेंस्की के विमान को स्कॉर्ट किया। ज़ेलेंस्की का सीक्रेट प्लान। सीक्रेट रूट से अमेरिका दौरा। ज़ेलेंस्की का संपूर्ण सुरक्षा वाला सफर। रूस से 10 महीने के युद्ध में ज़ेलेंस्की ने पूरी जान लगा दी। अपने मोर्चे से टस से मस नहीं हुए, लेकिन युद्ध लंबा खिंचा तो मदद की जरूरत महसूस हुई। संकट की घड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बाइडेन को याद किया। खुद मुलाकात करने अमेरिका पहुंचे, लेकिन सबसे खास है उनका अमेरिका पहुंचने तक का यह सफर। यह ऐसा सफर था जिसे एकदम खुफिया रखा गया। बाइडेन से मुलाकात करने तक नाटो और अमेरिका के फाइटर जेट ने उन्हें सुरक्षा दी और सुरक्षित अमेरिका पहुंचाया। रूस की खुफिया एजेंसी पूरी तरह फेल रही, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी और ज़ेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड ट्रेन से पहुंच गए। आगे का सफर तय करने के लिए अमेरिका का खास मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान बोइंग C-40 तैयार था। पोलैंड के रेजो शहर से वॉशिंगटन DC की दूरी करीब 7,361 किलोमीटर है। पोलैंड के रेजो शहर से वॉशिंगटन DC का सफर उन्होंने बोइंग C-40 में तय किया। यूक्रेन को पार करने के दौरान नाटो के स्पाई जेट ने उनके विमान की निगरानी की।
जब ज़ेलेंस्की के विमान ने ब्रिटेन को पार किया तो अमेरिका के फाइटर प्लेन F-15 उनकी सुरक्षा में तैनात हो गए, यानी उत्तरी सागर को पार करते वक्त नाटो का स्पाई जेट और अमेरिका का F-15 ज़ेलेंस्की की सुरक्षा कर रहे थे। इसके बाद ज़ेलेंस्की का बोइंग C-40 मेरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में उतरा। सुरक्षा कारणों की वजह से ज़ेलेंस्की के विमान को एयरफोर्स वन के रनवे पर उतारा गया। ज़ेलेंस्की पोलैंड से 7,361 किलोमीटर का हवाई सफर कर वॉशिंगटन DC पहुंचे। इसके बाद सड़क मार्ग से उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचाया गया।